आप सभी को जय माता दी। जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जनाब। इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा और सावधान हो जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों की भी ये एक छोटी सी गलती कहें या लापरवाही कहें वो आपको जो है भारी पड़ जाए। जम्मू पुलिस ने लगभग 12 जो मकान मालिक हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपने किराएदारों की जो वेरिफिकेशन रहती है, जो बार बार पुलिस आप लोगों से अपील कर रही है, लेकिन ऐसे में आप लोग इसे अभी भी अगर हल्के में ले रहे हैं तो जनाब ये खबर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाली है। घर में या फिर कहीं पर किसी प्लाट में या फिर कहीं पर भी जो है वो किसी को किराए पर रख रहे हैं या फिर घर में किसी को काम करने के लिए रख रहे हैं, तो जनाब आप फौरी तौर पर जो है वो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी थाने में जाकर, नज़दीकी या पुलिस चौकी में जाकर जो है वो उनकी वेरिफिकेशन करवा दें, वरना पुलिस जो है वो आपके खिलाफ भी इस तरह का मामला दर्ज कर देगी। जम्मू पुलिस ने जो है वो किराएदारों की वेरिफिकेशन ना करवाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ, 12 मकान मालिकों के खिलाफ FIR लगाई है, जिसमें बता दें कि बहुफोर्ट जो थाना है वहां पर 10 लोगों के खिलाफ FIR लगी है, जबकि शनी में 2 लोगों के खिलाफ जो है वो वहां पर FIR लगाई गई है। लगातार जम्मू पुलिस की बात करें तो वो आप सब लोगों से ये कह रही है कि जितने भी लोग अगर आपके वहां पर अपने घर में आपके रखे हुए हैं, चाहे वो किराएदार हों या किसी भी तरह से अगर आपने किसी को काम के लिए अपने घर में रखा हुआ है, नौकर रखा हुआ है, तो आप उसकी वेरिफिकेशन कराएं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, और ये वो 12 के करीब लोग हैं जो कि इसमें विफल रहे थे, इन्होंने वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवाई थी, क्योंकि SSP जम्मू की बात करें तो उनकी तरफ से एक साफ तौर पर जो है वो निर्देश जारी किया गया है कि अपने अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं, और ऐसे में बहुफोर थाने में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वहीं शनी हिम्मत थाने में 2 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। और ऐसे में जम्मू पुलिस ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने किराएदारों की जो है वो वहाँ पर या फिर घर में किसी को जो है वो आपने नौकर रखा हुआ है, तो आप उसका पूरा जो वेरिफिकेशन है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर चौकी में जो है वो कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो जनाब आप लोगों के खिलाफ FIR लगा दी जाएगी, और जिससे आप लोगों को बाद में परेशानी भी हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश करें कि वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पहुंच सके। और जल्द से जल्द अगर आपने भी अपने किसी किराएदार की या फिर घर में कोई नौकर रखा है या फिर अपने प्लाट में किसी को वहां पर रखा हुआ है, तो आप उसकी वेरिफिकेशन करा लें। बाहर का अगर कोई बंदा आपने रखा हुआ है तो उसकी भी वेरिफिकेशन कराएं, वरना आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर के हालात आप लोग बेहतर जानते हैं, कोई नहीं पता कि कोई क्या पीछे से जो है वो हरकत करके आपके घर में जो है वो किराए पर रह रहा है, वो कल को पुलिस को पता चलो तो फिर पुलिस जो है वो आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में कोशिश करें कि जल्द से जल्द बिना टाइम गवाए जो है वो नज़दीकी थाने में जाकर वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, ताकि पुलिस को भी मजबूरी में जो है वो आप लोगों के खिलाफ किसी भी तरह से कोई कार्रवाई करने पर जो है वो मजबूर ना होना पड़े। तो जनता अपने अपने सुझाव इस पर ज़रूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।